एक वक्त था जब इंसान एक ही तरह से रहते थे, एक ही तरह का भोजन करते थे, एक ही तरह की भाषा बोलते थे और एक ही तरह के वातावरण का हिस्सा थे। लेकिन इंसान बनने की राह में जितना ज्यादा हम विकसित होते चले गए, उतना ज्यादा ही हम में अंतर आने लगा। एवोल्यूशन की दौड़ में इंसान ने बोलना कैसे सीखा, आग जलाना कैसे सीखा और वो कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी कहानियां तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े फैक्ट की जिसने एक तरफ तो लोगों को बांटने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ एक ही विचारधारा के लोगों को साथ में जोड़ने का भी काम किया। हम बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म आज भी इंसान के जीवन में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। कुछ लोगों के लिए ये एक सामाजिक बंधन है तो इसे मानने वाले लोगों के लिए ये एक आस्था है। अलग अलग लोगों के लिए धर्म के अलग मायने हैं, लेकिन हमारा विषय धर्म की महत्वता नहीं बल्कि इसका विकास है। ये वीडियो आपको मनुष्य के एवोल्यूशन के साथ साथ धर्म के विकास की कहानी बताएगा। इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि कैसे धार्मिक विविधता ने इंसानों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना दिया। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले किस धर्म ने अपना परचम फैलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन थे, वो कहां से आए थे, वो अपने पीछे क्या छोड़ गए, वो कहां चले गए, क्या वो लौट कर आएंगे? इतिहास के चश्मे से देखें तो धर्म का इंसान के विकास में बहुत महत्व रहा है। हालांकि आज के विकसित दौर में इसकी परिभाषा काफी बदल गई है, लेकिन अगर हम वक्त में पीछे जाएं और धर्म को शुरुआत से देखें तो जो सामने आता है वो आज की हकीकत से अलग है। चलिए आज फिर से समय में पीछे चलते हैं और धर्म को उसके पहले पन्ने से पढ़ते हैं। एक वक्त था जब इंसान के दिमाग की सीमाएं केवल सर्वाइवल की तरकीब ढूंढने तक ही सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे हमने धरती पर अपनी जनसंख्या बढ़ाना शुरू किया, वैसे वैसे हमारे दिमाग ने जीवन के बाकी पहलुओं पर भी काम करना शुरू किया। हमने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया, सामाजिक होना शुरू किया, बोलने के साथ साथ रहन सहन के तरीकों में बदलाव किया। हमने वक्त के साथ फिक्शन और दंत कथाओं को भी महत्व दिया और इसी के साथ धर्म का पहलू भी इंसान से जुड़ता चला गया। लेकिन सवाल आता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? अगर प्रैक्टिकली देखें तो धर्म की शुरुआत बिलीफ यानी कि विश्वास और आस्था से हुई। दरअसल जैसे जैसे होमो सेपियंस का दिमाग बड़ा होता गया और वो कबीले में रहने लगे, वैसे वैसे अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ बिलीफ का निर्माण किया जो विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए भले ही धक्कानुसी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए उनके रहन सहन का तरीका थे। उदाहरण के तौर पर अगर भोजन की तलाश में होमो सेपियंस सफेद बकरे का पीछा करते और उस दौरान अगर कोई बड़ा रिसोर्स उनके हाथ लगता तो वो सफेद बकरे को शुभ प्रतीक के रूप में देखते और उसे मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देते। अपने इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर जहां एक कबीला बकरी को खुशहाल का प्रतीक मानता था, वही दूसरे कबीले के लिए खुशहाली का प्रतीक कोई दूसरी चीज था और बकरा उनके लिए सिर्फ भोजन का साधन था। सीधी भाषा में कहें तो एक कबीला जहां बकरे को लकी मानता था, वही दूसरे के लिए लक किसी और वस्तु से जुड़ा होता था। इस तरह से इंसानों में फेथ और बिलीफ की नींव पड़ी। इन बिलीफ्स ने धरती पर सबसे पहले धर्म को उजागर किया जिसे नाम दिया जाता है एनिमिज्म का। ये वो धर्म था जिसमें होमो सेपियंस ने जानवर और प्रकृति की ताकत को तवज्जो दी। किसी सुप्रीम गॉड को मानने की बजाय उन्होंने प्रकृति और जानवरों से प्रेम का रास्ता अपनाया। तभी तो प्राचीन समय की सभी गुफाओं में हमें भगवान के चित्र मिलने की बजाय जानवरों के चित्र मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एनहम लैंड में हमें 4000 BC पुराने पत्थर मिलते हैं जिसमें एक सांप की तस्वीर उकेरी गई है। कहते हैं कि इस सांप का नाम यिनगारा सर्पेंट था और वहां के लोगों में इस सांप की बड़ी मान्यता थी। गुफाओं में उकेरे गए चित्र इस बात के सबूत हैं कि शुरुआती होमो सेपियंस नेचर से काफी जुड़े हुए थे। जनजाति यानी कि ट्राइबलिज्म के बारे में उन्हें अब तक कुछ ज्ञान नहीं था, वो कुछ केवल ग्रुप में रहना जानते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान का दिमाग का विकास हुआ, उन्होंने खेती करना शुरू किया। इससे पहले तक होमो सेपियंस खुद को खास नहीं मानते थे, वो सभी जानवर और प्रकृति को महत्व देते थे, उनसे डर कर रहते
थे और प्रकृति की ताकत को सबसे ऊपर रखते थे। लेकिन खेती की शुरुआत ने बहुत कुछ बदल डाला। सभ्यता के विकास ने इंसान के हाथ में वो ताकत दे दी कि वो प्रकृति और जानवर को अपनी जायदाद मानने लगा। हमारा धर्म भी अपने आप में अपग्रेड होने लगा। दरअसल जंगल से बाहर निकल कर कबीले में रहने के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों पर काबू पाने लगे। लेकिन होमो सेपियंस ये भी जानते थे कि वो सब कुछ काबू नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर फसल के लिए अच्छी बारिश करवाना और एक स्वस्थ मवेशी का जन्म उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वो उन ताकतों को समझते थे जो इन फैसलों को कंट्रोल करता था। हालांकि विज्ञान के लिए वो ताकत प्रकृति के पास थी, लेकिन होमो सेपियंस ने इस ताकत को भगवान का नाम दे दिया। वो जानते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान एक शक्ति कर सकती है जो सभी कुछ ऑटोमेटिकली चला रही है। उनका मानना था कि अगर उस शक्ति को खुश कर दिया जाए तो उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस इसी विचार ने इंसान के दिमाग में पॉलीथेस्टिक रिलीजन के विचार को जन्म दिया। दिलचस्प बात थी कि ये सोच केवल एक ही कबीले तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर कबीले के इंसान में पनप रही थी और वो उन सभी देवों को खुश करने के लिए अलग अलग रास्तों को अपना रहे थे। अगर आप सोच रहे हैं कि भला पॉलीथेस्टिक रिलीजन क्या था, तो आपको बता दें कि इसका सीधा सा मतलब था बहुदेवाद, यानी कि ताकत को न मानकर बहुत सारे देवों में विश्वास रखना। उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म बहुदेववादी सोच में पनपा और उनके साथ रोमन गॉड्स, एस्टेक गॉड्स और मायन गॉड्स भी बहुदेववादी सोच का हिस्सा रहे। शुरुआती दौर से ही धर्म में इतनी भिन्नता का मतलब था कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी मान्यताओं के हिसाब से धर्म को मानना शुरू किया। जो ताकत होमो सेपियंस के हाथ में नहीं थी, उसे मानने के लिए उन्होंने सुप्रीम ताकतों को खुश करने का रास्ता अपनाया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने जानवरों की बलि देना शुरू किया ताकि भारी मात्रा में अच्छी फसल हो सके। तूफान को रोकने के लिए उन्होंने हवा के देवता का सहारा लिया। अकाल पड़ने से रोकने के लिए उन्होंने पानी को पूजना शुरू किया ताकि भरपूर बारिश हो और पूरे साल पानी की कमी ना हो। देखा जाए तो अभी भी इंसान प्रकृति की पूजा कर रहा था, लेकिन अब वो उन्हें देवों का रूप दे चुका था और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग मान्यताओं को बनाने लगा था। इसी के साथ जन्म हुआ अजीबोगरीब रस्म और रिवाज का, जो हर जनजाति का प्रमुख हिस्सा था। सभी जनजाति के देव अलग थे और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग रस्म और रिवाजों को अपनाया जाता था। उदाहरण के तौर पर किसी जनजाति का राजा एक ही समय में 50 भेड़ों की बलि चढ़ाता था, क्योंकि उनका मानना था कि भेड़ों की बलि से फसल के देवता खुश होते हैं। वहीं किसी दूसरी जनजाति में फसल के देवता को खुश करने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाता था। हैरानी की बात थी कि ये तो केवल धर्म के विकास का दूसरा पड़ाव था। अभी भी धर्म अपने उस स्वरूप में नहीं विकसित हुआ था जिसमें हम उसे जानते थे। अभी तक लोगों के जहन में केवल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का ख्याल पनप रहा था, लेकिन ये भी जल्द ही बदलने वाला था। धीरे धीरे अपनी विचारधाराओं और मान्यताओं को लेकर लोगों में कट्टरवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। लोग अपनी मान्यताओं को और अपने देवों को सर्वशक्ति के रूप में देखने लगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करने लगे। कट्टरवादी मान्यताओं ने कई स्तर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया और यही मान्यताएं एक धर्म के रूप में परिवर्तित होने लगी। अब लोग एनिमिज्म और पॉलीथिस्टिक धर्म से निकलकर मिशनरी रिलीजन की तरफ आकर्षित होने लगे। मिशनरी रिलीजन सिखाता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म की तरफ प्रभावित कैसे किया जाए। जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी जनजाति और ग्रुप्स के अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने भगवान थे और वो उन्हीं पर विश्वास रखते थे। रोमन अंपायर की अगर बात करें तो वहां के लोगों में ग्रीक गॉड को लेकर काफी आस्था थी, लेकिन मिशनरी रिलीजन की वजह से ये भी जल्दी तबाह हो गए, क्योंकि यहूदी लोगों ने कई दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था और जीसस को सर्वशक्तिशाली भगवान के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। यहूदियों की धार्मिक किताब के हिसाब से जीसस ही वो भगवान थे जिनके जन्म का दुनिया को इंतजार था। इससे पहले यहूदी यहवे को अपना देवता मानते थे, लेकिन इस ने लोगों को विश्वास दिलाया कि जीसस ही उनके पहले असली मसीहा थे और इसी तरह उदय हुआ क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी ही वो पहला धर्म था जिसने एक ही भगवान का विचार दुनिया के सामने रखा। इससे पहले प्राकृतिक ताकतों के रूप में लोग कई देवी देवताओं को पूजते थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी बहुत सारे भगवान की बजाय केवल एक ही मसीहा को मानने की बात करता था। शुरुआत में क्रिश्चियन धर्म के लोग केवल अपने आप तक ही सीमित थे, वो अपने लोगों में रस्म और रिवाजों को निभाते थे, लेकिन धर्म को चारों तरफ फैलाने का विचार उनके दिमाग में भी आया। अब तक जो धर्म केवल
केवल यहूदियों तक सीमित था, अब वो पूरे विश्व में फैलने वाला था। इस धर्म को लोगों तक फैलाने का काम किया पॉल ऑफ टर्सस ने। उन्होंने लोगों को समझाया कि जो मसीहा हमारी भलाई के लिए क्रॉस पर चढ़ गए और इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए दुनिया में आए, उनके बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। यानी कि क्रिश्चियनिटी केवल यहूदी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। उनकी बातों से प्रभावित होकर क्रिश्चियन लोगों ने इस धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। क्रिश्चियनिटी की लोकप्रियता तेजी से लोगों के बीच में फैलने लगी, क्योंकि एक ही सर्वशक्तिशाली देव को मानने का विचार लोगों के लिए नया और अनोखा था। ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म की तरफ खींचते चले गए और अपनी उन मान्यताओं को छोड़कर लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि धर्म का कॉन्सेप्ट हमेशा से इंसानों के बीच रहा, लेकिन वक्त के साथ उनकी परिभाषा कई मायनों में बदली। इस वीडियो में आप ये तो जान गए कि धर्म किस तरह से आगे बढ़ा और क्रिश्चियनिटी कैसे विश्व में फैल गई, लेकिन अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म का विकास हुआ, आखिर वो अपनी शुरुआती दौर में किस फॉर्म में था और उसका विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, आपकी नजर में गॉड एक है या ये डिपेंडेंट है अलग अलग रिलीजियन पर? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।